हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज का ये जो प्रोग्राम है बनाने वाला हूँ वो पाइथन पर। क्वेश्चन क्या है ये देखिए, ये क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में एक आध बार पूछा भी गया है शायद। प्रोग्राम टू रीड अ स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले इट इन रिवर्स ऑर्डर, डिस्प्ले वन कैरेक्टर पर लाइन, यानी कि एक लाइन में एक कैरेक्टर डिस्प्ले होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए एक्चुअल में कहना क्या चाहता है, कहना ये चाहता है कि आप कोई भी स्ट्रिंग एक एंटर करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने एंटर किया कॉटलिन, तो ये लिखा कॉटलिन। अब देखिए कॉटलिन में कितने कैरेक्टर्स आए हैं देख लीजिए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर आए हैं। तो कॉटलिन जब लिखेंगे आप तो कॉटलिन ऐसे आएगा रिवर्स ऑर्डर में, कैसे, एन, फिर यहां पे आएगा आई, फिर क्या आएगा, फिर एल, फिर क्या आएगा, फिर टी, इस तरीके से टी आएगा, फिर क्या आएगा, फिर ओ, फिर एंटर करेंगे तो क्या आएगा, फिर के आएगा। यानी ऐसे प्रिंटिंग होगी और उल्टे तरीके से, और रिवर्स नाम के फंक्शन का आपको यूज भी नहीं करना। यहां पर कोई रिवर्स फंक्शन आपको नहीं यूज करना, आपको सीधा सीधा प्रोग्राम में इसे इंप्लीमेंट करना है और कोई रिवर्स नाम का फंक्शन भी नहीं यूज करना, तो ये कैसे बनेगा। तो चलिए पाइथन की आईडी को मैं ओपन कर लेता हूं और यहां से आपको दिखाता हूं ये कैसे पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले तो ये आईडी ओपन हो गई है, अब यहां से चलते हैं। यहां से चलेंगे तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम ये करना है कि यहां पर एक स्ट्रिंग बनाना है। तो चलिए स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग कर लेता हूं, ये लिख दिया मैंने माई स्ट्रिंग। तो माई स्ट्रिंग नाम से एक स्ट्रिंग बना लिया, ठीक है। और यहां पर इनपुट फंक्शन, क्योंकि हमें यहां पे इंटीजर तो एंटर नहीं करवाना, हमें यहां पे सेट ऑफ कैरेक्टर ही देने हैं, तो यहां पे सीधा इनपुट लिखा एंटर अ स्ट्रिंग, यहां पे दे दिया हमने, तो ये हो गया एंटर अ स्ट्रिंग, ठीक है। अब एक ब्रैकेट ओपन हुआ था तो एक ही तो क्लोज होगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब यहां पे प्रिंट फंक्शन का यूज करना, तो ये लिख लिया प्रिंट। और प्रिंट करने के बाद क्या दे देंगे इसमें, यहां लिख देंगे स्ट्रिंग, क्या नाम दिया हमने माई स्ट्रिंग, तो माई स्ट्रिंग लिख लेंगे, ये लिखा माई स्ट्रिंग, ये हो गया माई स्ट्रिंग, ठीक है। अब जो ये माई स्ट्रिंग लिखेंगे ना, ये ना तो डबल डॉटेड कॉमा में होगा ना तो सिंगल डॉटेड कॉमा में होगा, इसको खाली ऐसे लिखेंगे। तो ये लिख दिया माई स्ट्रिंग। माई स्ट्रिंग लिखने के बाद क्या करना है, कॉमा देना है, और यहां पे डबल डॉटेड कॉमा में लिख देता हूं इन रिवर्स ऑर्डर, इन रिवर्स ऑर्डर, बस इतना ही आपको लिख देना है और इसको बंद कर देना है। बंद कर दिया, बंद कर देने के बाद ब्रैकेट को भी क्लोज कर दीजिएगा, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करके नीचे आइएगा। यहां पर एल ई एन जी टी एच लेंथ नाम से एक और बना लेता हूं मैं, और यहां लेन फंक्शन का यूज करेंगे। भैया रिवर्स नहीं यूज करना है, लेंथ तो यूज ही कर सकते हैं। और यहां पर क्या था माई स्ट्रिंग, तो माई स्ट्रिंग यहां पे दे देते हैं, जैसे दिया गया था वैसे बिल्कुल दे दीजिएगा। तो ये दे दिया हमने, और माई स्ट्रिंग देने के बाद अब आपको क्या करना है, एंटर करके नीचे आना, यहाँ फॉर लूप लगाना है, तो फॉर लूप लगाया। और यहाँ एक और वेरिएबल बना लेता हूँ ए नाम से, फॉर ए इन रेंज। अब रेंज पता ही है क्या करता है, किस तरीके से वर्क करता है, तो ए इन रेंज हो गया, ऐसे लिख देनी है जैसे लिखा गया। अब यहां से इसको चलाते हैं और चलाने के बाद इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ क्या रहा, एंटर स्ट्रिंग। तो यहाँ एक स्ट्रिंग एंटर करता हूँ लाइक भारत, ये एंटर किया, और एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं भारत में पहले लास्ट में आया है टी, तो टी ए आर, तो यहां देखिए टी ए आर, ठीक उल्टा स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है, टी ए आर देख रहे हैं। और फिर है ए एच बी, तो टी ए आर ए एच बी, बिल्कुल यही प्रिंट हुआ है। अगर मैं फिर इसको बंद करके दोबारा से चलाता हूं, ये देखिए ये चला दिया है, तो फिर एक स्ट्रिंग एंटर करता हूं लाइक यहां पे एंटर करता हूं देवरिया, डी ई ओ आर आई ए, देवरिया एंटर किया, ये डी ई ओ आर आई ए, तो ये देवरिया जैसे ही एंटर करेंगे ना, आर आई ए आई आर ओ ई डी, ए आई आर ओ ई डी, यही प्रिंट हो रहा है। तो यानी रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराने का ये तरीका भी हो सकता है, ठीक है ना।